हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जहां पे हम लोग कवर करते हैं इंडिया के लीडिंग करंट अफेयर। उम्मीद करता हूं कि आप इंडिया में कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो इस सेशन को जो है वो जरूर देखेंगे। इस सेशन को देखने के बाद में दोस्तों आपको ना सिर्फ एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बल्कि आपको लाइफ के प्रोस्पेक्टिव से भी बहुत कुछ चीजें हैं जो कि सीखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी और समझने को मिलेगी। ठीक है, तो आज जैसा कि आप सभी को मालूम है 1st of December है, डेली करंट अफेयर आज नया मंथ है जो कि स्टार्ट हो गया है। तो उम्मीद करते हैं अगर आपने दोस्तों पिछले मंथ जो है वो मेहनत नहीं करी है, पिछले मंथ अगर आपने ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करी है तो नए मंथ के अंदर शुरुआत में जो है अच्छी मेहनत करेंगे और जो आप काम कर रहे हैं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरुआत करें। एक बार सबसे पहले तो देख लेते हैं ये सारे के सारे एग्जाम है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये सेशन है जो कि रेगुलर देखना चाहिए। सबसे पहले तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, PIB, PRS, साथ के आज के दिन इतिहास में क्या हुआ, फन फैक्ट देखेंगे और आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो कि करंट अफेयर के। मैंने 5 क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, वो भी हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने स्ट्रीट प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था जो कि केरला के अंदर स्टार्ट किया गया है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। कितनी जगह पे इसकी शुरुआत है जो कि करी गई है, जो हिडन प्लेसेस है केरला के अंदर उनको प्रमोट है जो कि यहाँ पे किया जा रहा है। टोटल कितनी थी, 7 प्लेसेस थी, एम आई राइट, 7 थी। चलो नेक्स्ट है, सफर्न एक इंटीग्रल पार्ट है इंडिया की फर्स्ट एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम का, ये कौन से सिटी में ऑपरेशनल है। तो ये दिल्ली के अंदर है वैसे मेजरली। आदि महोत्सव इनॉग्रेट हुआ है दोस्तों और इसको ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी के द्वारा इनॉग्रेट है जो कि किया गया है। 5 बजे वाली क्लास हो गई है गाइस, एक बार चेक कर लेना। 5 बजे वाली क्लास हो गई थी यार, मैंने तो सुबह बनाया है, एक बार आप लोग चेक कर लेना। मुझे भी नजर तो नहीं आ रही। चलो ठीक है, मैं बना दी थी, शायद हो सकता है किसी कारण से नजर नहीं आ रही हो, तो मैं कर दूंगा। मैं एक मिनट रुक जाओ, मैं बोल देता हूँ। चलो ठीक है, मैं बोल देता हूँ, डलवा देंगे उस वीडियो को, अभी डलवा देंगे। ठीक है ना, NCC का फॉर्मेशन हुआ कौन से साल में, 1948 के अंदर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है दोस्तों, आपको मालूम है गोरखपुर से सिलीगुड़ी के एक एक्सप्रेसवे बन रहा है, इसकी टोटल कॉस्ट कितनी की आएगी, इसके बारे में बात करें तो 6,000 करोड़ आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, जैसा कि आपको मालूम है अगर आपको अकेडमी के ऊपर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है प्लस कोर्सेज में, आइकॉनिक कोर्सेज में, तो आप रेफरल कोड BHU10 या BHU10 यूज कर सकते हैं जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा और आप इस रेफरल कोड को इंडिया के सारे एग्जाम, 40+ एग्जाम जैसे कि UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग, SSC कहीं पर भी काम में ले सकते हैं। SSC के अंदर अभी प्राइसेस थोड़ी सी डाउन है, आप देख सकते हैं 250 रुपये पर मंथ में 24 मंथ का आप प्रिपरेशन कर सकते हैं BHU10 यूज करके, और आइकॉनिक कोर्सेज में 350 रुपये पर मंथ के अंदर। आपको ऐप डाउनलोड करनी होती है, मोबाइल नंबर डालने होते हैं, यहाँ पे अपना गोल सेलेक्ट करना होता है, आपके 40+ एग्जाम में से कोई सा भी गोल हो सकता है, वो सेलेक्ट करिए, प्लस पे जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पे 12 या 24 मंथ और यहाँ पे BHU10 है जो कि आपको लगाना होता है। स्पेशल क्लास की बात करें, आज सुबह 9 बजे ये क्लास खत्म होते ही स्पेशल क्लास है, ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये GK का फाउंडेशन बैच है जो कि मैं SSC के अंदर पढ़ा रहा हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बच्चे की एजुकेशन आप एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन से स्पॉन्सर कर सकते हैं, smileforallsociety.org की वेबसाइट पे जाके, मात्र एक पिज्जा की कॉस्ट पे 500 रुपये पर मंथ में, और आप वॉलंटियर भी बन सकते हैं। चलिए आज के कोड ऑफ द डे देखते हैं, नेवर लेट द थिंग्स यू वॉन्ट मेक यू फॉरगेट द थिंग्स यू हैव। बहुत अच्छी बात है जो कि यहाँ पे बोली गई है कि हम लोग लाइफ में बहुत कुछ जो है वो चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो चीजें हमारे पास है ना हम उनको भूल जाएं। अक्सर दोस्तों सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा इंसान निराश, हताश और परेशान कब होता है, जब जो चीजें उसके पास होती है ना वो इनको इंजॉय नहीं करता है। आपके मेरे पास में दोस्तों ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि दुनिया में बहुत लोगों के पास में नहीं है। आप लोगों को ये भी चीज समझनी जरूरी है कि जो चीज आपको मिली हुई है ना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है जो कि दुनिया में बहुत लोगों को नहीं मिलता है। तो ये चीज, तो हम डेफिनेटली आप लाइफ में अचीवमेंट करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं और भी चीजें चाहते हैं, उसके लिए मेहनत करना जरूरी है और करनी भी चाहिए, लेकिन जो चीज आपके पास में उनको मत भूलिए, उनको भी एंजॉय करिए, उनको भी, उनके भी साथ में रहिए। जो चीज आज आपके पास में है उसको वैल्यू करना कोशिश करिए दोस्तों, क्योंकि जब तक आप उन चीजों की वैल्यू नहीं करोगे आज,
कल को जब जो चीज आप चाहते हो वो चीज आपको मिल जाएगी ना, तब आप उसकी भी वैल्यू नहीं कर पाओगे और हमेशा लाइफ में परेशान ही रहोगे, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो चीज हमारे पास आज है वो भी हमेशा नहीं रहेगी, तो उन चीजों को भी जो है फ्लॉरिश करने की कोशिश करें। ठीक है गाइज, आगे बात करते हैं, आज के दिन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे राज्यसभा के जो लीडर ऑफ द हाउस है उनका नाम है पीयूष गोयल जी, उन्होंने बोला है कि जो 12 एमपी जिनको सस्पेंड किया गया था अगस्त में हल्ला उल्ला करने के चक्कर में, वो वापस से आ सकते हैं, लेकिन उनको अपोलोजाइज है जो कि करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि जीडीपी सेकेंड क्वार्टर के अंदर 8.4% से जो है वो ग्रोथ हुई है। यहाँ पे मुला पेरियार वाटर जो कि तमिलनाडु और केरला का इशू है दोस्तों, इसके बारे में बताया गया है, तो वहां से पानी छोड़ते हैं तो केरला में दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है पॉल्यूशन को लेकर, ओके, यहाँ पे जो है पुष्कर फेयर दिखाया गया है। यहाँ पे दोस्तों ओमाइक्रॉन जो अभी साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, बोला गया है कि ये आरटीपीसीआर टेस्ट के अंदर इसको पता लगाया जा सकता है, ये एक अच्छी बात है इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पे पंजाब और बंगाल को लेकर है। यहाँ पे दोस्तों एक हाईकोर्ट के जज ने एक बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने एक लड़की थी, ओके, बहुत ही पुअर लड़की थी, वो आईआईटी बीएचयू में उसका एडमिशन हो गया था, लेकिन उसके पास में 15,000 रुपये फीस पे करने के नहीं थे, तो यहाँ पे हाईकोर्ट जज ने उनकी फीस है जो कि पे करी, बहुत ही अच्छी बात है यार, है ना। यहाँ पे दोस्तों ममता दीदी को लेकर है, तो ये फ्रंट पेज है। हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कुछ भी ऐसा दोस्तों फ्रंट पेज पे नहीं है जो कि हमारे एग्जाम या फिर नॉलेज में डिस्कस करने की जरूरत हो। ठीक है गाइज, चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर सात की बात करें तो यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे वो डाटा पॉइंट के ना सुसाइड को लेकर बात करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 2020 के अंदर शार्प राइज है जो कि डेथ बाय सुसाइड के अंदर देखने को मिली, ओके, और पिछले 53 ईयर के अंदर सबसे ज्यादा डेथ है जो कि किसी साल देखने को मिली, वो 2020 था, जहां पे 1.5 लाख लोगों ने दोस्तों सुसाइड है जो कि किया अकॉर्डिंग टू द एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड रिपोर्ट, और है ना 1982 के बाद में सबसे हाईएस्ट है जो कि बताया गया, जिसमें डेली वेज अर्नर जो होते हैं हमारे मजदूर, होम मेकर है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, 50% इन्होंने ही सुसाइड है जो कि करी है। राज्यों की बात करें महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, ये तीन राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा सुसाइड है जो कि हुए हैं, है ना। तो इन चीजों को रोकना बहुत जरूरी है, इन चीजों के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाना बहुत जरूरी है। जितने कैंपेन हम लोग पॉलिटिकल चीजों को लेकर चलाते हैं उसके अगर 1/3 भी अगर अवेयरनेस सुसाइड को प्रिवेंशन को लेकर चलाया जाए तो डेफिनेटली मतलब हम इससे काफी चेंज है जो कि ला सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ग्राफ किस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है, 10% ज्यादा है जो कि 2019 के कंपेयर में देखने को मिले हैं, है ना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे कारण भी देखिए बहुत सारे बताए गए, कई सारे स्टूडेंट हैं, डेली वेज अर्नर्स है, सैलरीड पर्सन है, अनएम्प्लॉयड पर्सन है ना, ये सब चीजें हैं। ठीक है, और ये राज्यों के बारे में मैंने आपको बताया चुका है, ये देखिए किस तरीके से केसेस जो है वो राइज हो रहे हैं, तो इनको अवेयरनेस क्रिएट करने को लेकर बहुत जरूरी। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो ना, जब आप उसको देखो, हर इंसान की कैपेसिटी अलग होती है, हर इंसान अलग तरीके से बना हुआ होता है, हर तरीके के सोचने का तरीका अलग होता है। कभी भी आपको लगे कि नहीं यार बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ज्यादा चीजें हो रही है, है ना कोई, तो उसको बताया करो, किसी के साथ में शेयर किया करो, शेयर करने के बाद में चीजें बहुत लाइट हो जाती है, आप बर्डन जो है ना वो ट्रांसफर कर देते हो, ओके, सामने वाले के ऊपर या किसी और के ऊपर, हालांकि वो अगला इतना लोड नहीं लेगा, डेफिनेटली अच्छी बात है, लेकिन आपके यहाँ से चीजें चली जाती है। तो कभी भी बहुत ज्यादा ऐसा होना आपको लगे नहीं यार ये हो गया वो हो गया, शेयर किसी के साथ, अपने किसी दोस्त के साथ करो, अपने घर वालों के साथ कर लो, कोई भाई बहन के साथ कर लो, पकड़ के किसी को, अरे कोई नहीं मिला तो मेरे के साथ ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन चीजों को शेयर करना सिखा करो। हम लोग हीरो बनती करते हैं और सोचते हैं ठीक है हम भी सब कुछ देख लेंगे, क्यों किसी को बताना, ये सही चीज नहीं होती है ना। चलिए, जैसे कि एक्सरसाइज करने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, आउटर कोच की भी जरूरत पड़ती है, तो बॉडी बिल्डिंग के लिए जब लोगों को कोच की जरूरत पड़ती है तो माइंड के लिए भी किसी न किसी की जरूरत पड़नी चाहिए ना, ठीक है ना, तो हेल्प लिया करो, इसमें कोई गलत नहीं है। चलिए, क्योंकि अगर आज आप हेल्प लोगे तो कल को आप भी किसी की हेल्प करोगे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पेज नंबर 8 की, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों एक तो उत्तराखंड के अंदर जो एक नया लॉ लाया गया था देवस्थान बोर्ड को लेकर, उसको यहाँ पे वापस से ले लिया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे नए आर्मी के चीफ के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले तो दोस्तों उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ट्यूसडे को वापस से चार धाम का जो देवस्थानम बोर्ड एक्ट जो ये लोग लाके लेके आए थे, जिसके अंदर 51 जो टेम्पल है दोस्तों, जिसमें आपके बड़े बड़े जो है ना टेम्पल है बद्रीनाथ केदारनाथ, ये भी इंक्लूडेड थे, तो इन टेम्पल का जो पूरा मैनेजमेंट सब कुछ जो है ना वो बोला गया था कौन करेगा, देवस्थानम बोर्ड है जो कि करेगा, समझ गए। और जिसकी वजह से क्या हो गया था
बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट है जो कि उत्तराखंड के अंदर हुआ, क्योंकि इस देवस्थानम बोर्ड के अंदर दोस्तों जो चेयरमैन थे वो सीएम थे और सारे के सारे इसमें पॉलिटिकल लोग इंक्लूडेड थे। ओके, तो ये बोला गया कि भाई ये पॉलिटिकल लोगों का इस वाले बोर्ड के अंदर कोई लेना देना नहीं है। पहले तो जो साधु संत थे वो लोग हैं जो कि इसको संभाला करते थे। ओके, और उत्तराखंड के अंदर बहुत लार्ज जो कि ये प्रोटेस्ट हो गया था देवस्थानम बोर्ड एक्ट को लेकर। तीन बार दोस्तों आपको मालूम है कुछ सेक्शन में तीन जो है वो सीएम आ चुके हैं, जा चुके हैं। ये सब जो कारण थे वो उसका वन ऑफ द मेजर कारण यही था, मतलब है ना। 2019 के अंदर इस एक्ट को लाया गया और इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड के जो अभी सीएम है पुष्कर सिंह, उन्होंने अनाउंस किया कि वो विड्रॉ करेंगे चार धाम के देवस्थानम मैनेजमेंट एक्ट को, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ का जो बोर्ड था ओके जो पुराना वाला वो यहाँ पे अबोलिशन हो गया था उसका, जिससे काफी प्रोटेस्ट प्रीस्ट और बाकी लोगों के अंदर देखने को मिल रहे थे। इनफैक्ट जो वीएचपी है विश्व हिंदू परिषद वो भी काफी प्रोटेस्ट है जो कि कर रहा था। 2019 के अंदर दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा इसको लाया गया था, जिसमें बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री और 49 जो टेम्पल थे ना वो सारे के सारे इसी बोर्ड के अंडर में आ जाते। ओके, और तो गवर्नमेंट क्या बनाती है, एक उत्तराखंड की चार धाम देवस्थानम बोर्ड है जो कि बनाती, जिसके अंदर चेयरमैन कौन होते, सीएम होते, जो मिनिस्टर ऑफ रिलीजन अफेयर होते वो वाइस चेयरमैन होते, जो एमएलए है दोस्तों गंगोत्री और यमुनोत्री के वो यहाँ के मेंबर होते, और चीफ सेक्रेटरी एक आईएएस ऑफिसर होते सीईओ, है ना। तो ये सारे के सारे पॉलिटिकल लोग है जो कि इसके अंदर इंक्लूड हो रहे थे। बोर्ड जो है वो हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी था, पूरा मैनेजमेंट करना टेम्पल का, पॉलिसीज बनाना, डिसीजन लेना, बजट प्रिपेयर करना, सेंक्शन करना, एक्सपेंडिचर कहाँ पे खर्चा होगा, डायरेक्शन देना कस्टडी का, मैनेजमेंट का, फंड का, वैल्यूएबल का, ये सारे के सारे काम कौन करता, देवस्थानम बोर्ड है जो कि करता। अब इस चीज को लेकर काफी यहाँ पे दोस्तों कंट्रोवर्सी हो गई। इससे पहले श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति थी जो कि चार्ज मैनेजमेंट किया करती थी। इसके अलावा 45 टेंपल उनके अंडर में थे। इसके अलावा 1939 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और यहाँ पे गवर्नमेंट के एक अपॉइंटी पर्सन है और ऑल इंडिया सर्विसेज के जो लोग हैं वो यहाँ पे हेड हुआ करते थे, वही देखा करते थे कि डोनेशन फंड और डेवलपमेंट वर्क कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी बताया गया कि ये जो फैसला लिया गया है वो इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री के कुछ गंगोत्री और यमुनोत्री जो मैनेजमेंट है ना वो लोकल ट्रस्ट के पास में, और गवर्नमेंट को इससे कोई भी शेयर जो है वो डोनेशन का नहीं मिलता है, तो इसीलिए भी इसको पूरी तरीके से सिंगल रूल है जो कि यहाँ पे लाया गया। लेकिन अभी उत्तराखंड में बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है, इलेक्शन आने वाले हैं, तो क्या कर दिया गया है, इस वाले एक्ट को वापस से ले लिया गया है। समझ गए, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। पेपर के अंदर जो है वो सवाल पूछा जा सकता है इसको लेकर, और काफी अंडर प्रेशर में आने के बाद में सरकार ने ये फैसला है जो कि लिया है। चलिए, ये देख ही सकते हो आप चार धाम यात्रा, ये है दोस्तों आपका यमुनोत्री, यह है गंगोत्री, यह है बद्रीनाथ और यह है केदारनाथ और यह है बद्रीनाथ, है ना, ये चार YGKB इस तरीके से। आप यमुनोत्री पहले, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ, है ना। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, कभी शायद आप गए नहीं हो, तो खैर गया तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा भी मन है एक बाइक से ट्रिप करने का, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, मतलब तो एक ट्रिप है, मतलब कभी मैंने सोच तो रखा है लेकिन देखते हैं कब पूरी होगी, एक बाइक से जो है वो पूरी ट्रिप पूरी करनी है वाली, बहुत ही अमेजिंग रास्ता है। चलिए ठीक है, आप देख सकते हो 100 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है और यहाँ पे काफ़ी सारी रिवर्स भी बहती है, जैसे कि आपको मालूम है ना, देवप्रयाग, ओके, जब बद्रीनाथ और अलकनंदा BA जब मिलती है दोस्तों, और तब क्या बनता है, यहाँ से गंगा बनती है। ठीक है, उसके ऊपर आता है रुद्रप्रयाग जहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है, BA पहले आएगा फिर MA आएगा, फिर आता है कर्णप्रयाग, फिर आता है आपका अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर मिलती है जहाँ पे नंदप्रयाग, और धौली गंगा और अलकनंदा जहाँ पे मिलती है उसको बोलते हैं अपन विष्णुप्रयाग। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी डॉक्टर DR कुमार विश्वास NV इस तरीके से भी याद कर सकते हो, हमारे गोलू जी थे उन्होंने बताए, उन्होंने ये ट्रिक बहुत अच्छी निकाली थी। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा, पेपर में कई बार पूछते हैं कि मंदाकिनी कहाँ से आती है, अलकनंदा कहाँ से आती है, धौली गंगा, विष्णुप्रयाग, ये सब के बारे में तो ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं एडमिरल, है ना, बहुत ही सिंपल है, मतलब कुछ नहीं करना, पहले तो BA मतलब बद्रीनाथ और अलकनंदा जहाँ पे देवप्रयाग, उसके बाद MA मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ पे रुद्रप्रयाग, फिर आता है कर्णप्रयाग, K का मतलब कुमार कर्णप्रयाग, फिर नंदप्रयाग, फिर विष्णुप्रयाग, है ना, DRKNV, D से देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे बात करते हैं,
चलो तो नेवी के चीफ के बारे में, एडमिरल हरि कुमार इज नेवी चीफ। तो हमारे एक जो एडमिरल है हरि कुमार जी, उनको ट्यूसडे को दोस्तों 25th चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है जो कि बनाया गया। हमारे जो करमवीर सिंह जी थे दोस्तों, 41 ईयर का जो उनका करियर था, वो अभी उनको वो रिजाइन अभी वो रिटायर है जो कि हो गए हैं। ठीक है गाइज, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। इसके अलावा बात करें, इनका भी करियर बहुत पुराना है, मतलब तभी ऑब्वियसली सीनियर रहे, तभी ये बने हैं। अगर मैं बात करूँ दोस्तों हमारे नेवल चीफ के, तो ये रिपोर्ट देते हैं प्राइम मिनिस्टर को, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और CDS को। 3 साल या 62 ईयर जो भी पहले हो जाए वो इनका टेन्योर है जो कि होता है, है ना। 1950 में फॉर्मेशन हुआ नेवी का, और सबसे पहले तो टेलबॉट हॉल करके थे, और 2.5 लाख रुपए इनकी सैलरी है जो कि पर मंथ होती है। ये देखिए 47 से 48 के बीच में सबसे पहले जो रॉयल इंडियन नेवी के जो हेड थे वो थे हॉल, उसके बाद वापस से हॉल रहे 48 से लेकर 50 तक। उसके बाद में जब हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने, तब सबसे पहले जो बने थे उनका नाम था चार्ल्स थॉमस, है ना, चार्ल्स थॉमस, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, पेज नंबर 9 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो EWS कोटा के रिव्यू करने को लेकर एक पैनल है जो कि बनाया गया है, उसके बारे में बात करेंगे, और कितने भारतीयों ने दोस्तों सिटीजनशिप जो है वो छोड़ दी उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ट्यूजडे को अपॉइंट किया 3 मेंबर की कमिटी जो कि रिविजिट करेगी 10% रिजर्वेशन जो कि EWS कैटेगरी के अंदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट जॉब में दिया गया है, इकोनॉमिकल बिहाफ के ऊपर जनरल कैटेगरी को उसको। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों पूछा था गवर्नमेंट से कि बताइए 8 लाख रुपए वाला क्राइटेरिया आपने कैसे सेट किया है। अब गवर्नमेंट का इसके पास जवाब नहीं था, तो गवर्नमेंट ने जो है अब बोला है कि हम रिव्यू करते हैं, पैनल बनाते हैं, 3 वीक का टाइम दो काम कंप्लीट करने के लिए। इसके अंदर दोस्तों पैनल में फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे जी, और इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के मल्होत्रा जी, और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सन्याल जी, 3 लोग हैं जो कि इस पैनल के अंदर है। 3 वीक का टाइम है जो कि दिया गया है, समझ गए मेरी बात। चलिए आप यहां पर देख सकते हैं 10% EWS कोटा। देखो पहले जो रिजर्वेशन था ना वो था सोशल बैकग्राउंड के ऊपर, अभी वाला जो लेटेस्ट जो ये 10% दिया गया है, ये दिया गया है इकोनॉमिकल बिहाफ के ऊपर। दोनों में बहुत ही फर्क है, समझ गए। आर्टिकल 15 और 16 में चेंजेस हुए 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के माध्यम से। हमने क्लॉज डाला है 6ठा दोनों के अंदर, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और ये ST OBC और जो आपके कैटेगरी है उस कैटेगरी से अलग है। चलिए हाँ, मतलब 8 लाख रुपए के अंदर तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, मतलब इंक्लूड हो जाते हैं यार इसमें, अच्छे अच्छे लोग इंक्लूड हो जाते हैं। मतलब अगर आप मान लीजिए IAS ऑफिसर भी बन जाओगे ना, तब भी एक बार तो आप इसके अंदर इंक्लूडेड रहोगे कुछ साल तक तो, ठीक है। कट ऑफ काफी कम जाती है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जिन लोगों का बन सकता है वो बना लो, अगर ये क्राइटेरिया फॉलो करते हो तो। आप फैमिली इनकम 8 लाख रुपए पर एनम से कम होनी चाहिए, 5 एकड़ की जमीन कम होनी चाहिए, 1000 स्क्वायर फीट से फ्लैट कम होना चाहिए, प्लॉट आपका 200 स्क्वायर यार्ड से कम होना चाहिए, समझ गए। ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप बनवा सकते हो। सोनू कुमार बोल रहे हैं सर बोर्ड पे क्लास लीजिए, क्लास वाली फील आती है बोर्ड पर क्लास करते हैं तो, प्लीज सर। चलो ठीक है, कर लेंगे बोर्ड पे भी कर लेंगे, है ना। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों, एक बहुत ही सनसनीखेज दोस्तों यहाँ पे बात है जो कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा बताई गई लोकसभा में। हम लोग जो है वो CAA खेल रहे हैं, और हमारे देश से दोस्तों बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के जो लोग हैं, जो प्रायर हैं, जो साथ में IITians एम्स के जो देश में बड़े बड़े लोग हैं दोस्तों, 6 लाख भारतीयों ने जो है वो सिटीजनशिप जो है वो छोड़ दी है। मतलब 6 लाख पिछले 5 सालों के अंदर 6 लाख लोग हैं जो कि हमारे सिटीजनशिप छोड़ के चले गए। मतलब अगर हम लोग जितना मुद्दा हमने CAA पे बनाया, पॉलिटिकली किया, हंगामे करे, अगर हम लोग फोकस करते कि ये 6 लाख लोगों को कैसे हमारे देश नहीं छोड़ने दिया जाए और इनको प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए, इनको एक अच्छा इंडिया के अंदर जो चाहिए फैसिलिटीज वो उसको लेकर अगर बात की जाए, तो मेरे ख्याल से काफ़ी डेवलपमेंट है जो कि हो सकता था, काफ़ी नौकरी और है जो कि उत्पन्न हो सकती थी। तो 6 लाख इंडियन ने सिटीजनशिप जो है दोस्तों पिछले 5 साल में छोड़ दी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, लोकसभा के अंदर ये बात है जो कि बोली गई है। और ठीक है, सितंबर इस साल के अंदर 1.25 लाख लोग हैं जो कि छोड़ चुके हैं। मैं ये रिप्लाई 2018 के अंदर पूछा गया था, और अब जाके मतलब ये रिप्लाई है जो कि आया है, फॉरेन सिटीजनशिप है जो कि उन्होंने कर दी है, रिनाउंस कर दिया इंडियन सिटीजनशिप, और 60 डे का टाइम है जो कि यहाँ पे प्रोसेस के लिए यहाँ पे रखा गया था। ओके 17, 18, 19, 20 ये नंबर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। मतलब अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू रिपोर्ट इन 2019, और चाइना के बाद में
हाईएस्ट नेटवर्थ वाले इंडियंस हैं जिन्होंने कंट्री छोड़ा है, मतलब हाईएस्ट नेटवर्थ वाले। ओके 7000 HNI हाई नेटवर्थ वालों ने इंडिया जो है वो 2019 के अंदर छोड़ दिया है। चाइना के अंदर भी सेम प्रॉब्लम है, चाइना के अंदर भी इतनी ज्यादा क्रैकडाउन करती है चाइनीज गवर्नमेंट लोगों के ऊपर कि लोग जो है फिर सोचते हैं कि यार इतना ज्यादा अंदर डबके रहने का तो क्या ही मतलब है, और वो यूएसए और बाकी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया यूएसए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों यही बात बताई गई। 35,000 तो इंडियन ऐसे हाई एंटरप्रेन्योर थे जिनकी नेटवर्क बहुत ही ज्यादा थी, वो भी देश छोड़ के चले गए, और इंडिया को नंबर वन रैंक है एग्जॉडस के अंदर है, जो कि यहाँ पे बताया गया है नंबर वन। तो ये एक दोस्तों काफी चिंता का विषय है। ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है दोस्तों वो हमारे कवर होता है किसके अंदर, पार्ट टू के अंदर। पार्ट टू जो है उसके अंदर आर्टिकल है अपने, कौन से आर्टिकल, 5 से लेकर 11, जो हमारे सिटीजनशिप को लेकर है दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो आर्टिकल 5 के बारे में बात करें तो यहां पे वो बोला गया है कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई थी ना तब जिसको सिटीजनशिप मिली है वो बातें यहां पे आर्टिकल 5 में बोली गई है। जैसे कि कोई इंडियन टेरिटरी में पैदा हुआ हो, उसके पेरेंट्स इंडियन टेरिटरी में हुए हो, है ना, ऑर्डिनरी सिटीजन रेसिडेंट हो इंडिया का 5 साल से जब से हमारा कमेंसमेंट हुआ है, तो ये सब जो है वो ऑर्डिनरी कमेंसमेंट को लेकर है। आर्टिकल 6 बोलता है दोस्तों राइट ऑफ सिटीजनशिप, जो पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आए हैं बंटवारे के टाइम पे 47 के टाइम पे, उनके सिटीजनशिप के बारे में बात करी गई आर्टिकल 6 के में। आर्टिकल 7 में बात करी गई है जो कि इंडिया से पाकिस्तान चले गए उनके सिटीजनशिप के बारे में। आर्टिकल 8 में बात करी गई है ओके, जो कि आउटसाइड इंडिया रहते हैं, ऐसे लोग जो कि इंडिया के बाहर रहते हैं, इंडियन ओरिजिन लोग लेकिन इंडिया के बाहर रहते हैं, उनके सिटीजनशिप को लेकर। आर्टिकल 9 के बारे में बात करी गई है, अगर कोई अपनी इच्छा से इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दे उसको लेकर। आर्टिकल 10 में कैस बिहाफ के ऊपर सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगी, और आर्टिकल 11 है दोस्तों कि पार्लियामेंट के पास में पावर है सिटीजनशिप को लेकर। समझ गए मेरी बात, ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है। ठीक है गाइस, ठीक है, तो छठे के अंदर तो हो गया जो पाकिस्तान से इंडिया गए इंडिया आए, 7 में हो गया जो इंडिया से पाकिस्तान गए, 8 में जो इंडिया के बाहर रहते हैं, 9 में जो खुद छोड़ चुके हैं अपनी इच्छा से, 10 में कंटिन्यूएशन, और 11 के अंदर है पार्लियामेंट। इस तरीके से आपको यहां पे याद करना है। ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के हिसाब से दोस्तों आप हमारे देश की जो सिटीजनशिप मिल सकती है वो 5 बिहाफ के ऊपर मिल सकती है। ठीक है, इनफैक्ट 6 क्राइटेरिया के ऊपर, एक तो जब हमारा संविधान कंटिन्यू कमेंसमेंट हुआ तब की, एक सिटीजनशिप बाय बर्थ, एक डिसेंट आपके फादर जो है वो इंडियन हो, एक रजिस्ट्रेशन करवा के, एक नेचुरलाइजेशन, आप काफी सालों से ऑलरेडी आपके लोग जो है वो रह रहे हैं दादा परदादा जी, या फिर हमने दोस्तों कोई ना कोई टेरिटरी अगर हमने अक्वायर कर ली या हमारे देश में मिल गई तो उन लोगों को भी भारत की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये 6 क्राइटेरियाज है, ये अनटोल्ड स्टोरी को क्या चाहिए, अनटोल्ड स्टोरी अगर आपको CAA जानना है तो आप CAA भुवनेश लिख दो, वीडियो मिल जाएगा वहां से देख लेना, है ना, जिसके अंदर हम लोग इंडिया में जो रह रहे हैं ना उनको ऊपर बात कर रहे हैं, जो इंडिया से जा रहे हैं उनके ऊपर हम लोग बात नहीं कर रहे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव है जो जो कि पेपर में आता है, वो आता है PIO और OCI कार्ड को लेकर। कई लोग जो भारत में नहीं रहते ना, जो इंडियन सिटीजनशिप नहीं रहते या फिर बहुत ही कभी कभार भारत में आते हैं, तो उनके पास में कार्ड होता है, किसी के पास PIO और किसी के पास में OCI। PIO का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, है ना, यानी कि वो इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, कोई फॉरेन सिटीजन है लेकिन इंडिया में पैदा हुआ लेकिन अभी फॉरेन सिटीजन है, इन देशों के अलावा हमारे पड़ोसी देश नहीं होना चाहिए उसमें से, अगर उसके कोई पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए परमानेंटली रहते हैं, या अगर उसकी वाइफ जो है वो इंडियन है ना, या उसका हस्बैंड इंडियन है, तो बेनिफिट क्या होता है कि उनको वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है इंडिया घूमने के लिए 15 साल तक, जब उसको POI कार्ड मिल जाए, अगर वो चाहे तो 180 दिनों तक जो है वो इंडिया में रह सकता है। समझ गए मेरी बात, 180 दिन है मैक्सिमम, उसके बाद उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। ओके, सारे इकोनॉमिक फाइनेंशियल और एजुकेशनल बेनिफिट है जो कि उसको मिलते हैं। लेकिन अगर मैं OCI कार्ड के बारे में बात करूं तो OCI कार्ड भी उन लोगों को मिलता है जो कि भारत में पहले फॉरेन नेशनल बन चुके हैं और मल्टीपर्पज मल्टीपल एंट्री जो है वो 180 दिन के एक साल दो साल तक के लिए भी अगर कोई रहना चाहे तो इंडिया में आके रह सकता है, मतलब उसको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये दोनों बातें आपको यहां पे ध्यान रखिएगा। ठीक है गाइस,
चलिए आगे बात करते हैं, पेज नंबर 14, यहाँ पे मैसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सातवीं बार दोस्तों मैसी जो है वो यहाँ पे बैलन डी अवार्ड के बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड का दोस्तों उनको टाइटल है जो कि उनको अवार्ड है जो कि यहाँ पे मिला है। अर्जेंटीना के हैं दोस्तों मैसी, बैलन डी और अवार्ड जो कि वर्ल्ड का बेस्ट फुटबॉलर को मिलता है दोस्तों, सातवीं बार उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वैसे ही पुटेलाज है जो कि महिलाओं के अंदर और पुरुषों के अंदर है आपके मैसी, ठीक है गाइज। और इससे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 बार, जॉन 3 बार एंड सो ऑन, तो ये बात भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं क्लूजनर, क्लूजनर को जानते हो क्या? लांस क्लूजनर बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडर है जो कि साउथ अफ्रीका के हुआ करते थे। 1999 वर्ल्ड कप की बात है, एक सेमीफाइनल मैच था, ये मैच था साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट दोस्तों जीत ही रहा था, वहां पे आए लांस क्लूजनर और पूरा मैच है ना ऑस्ट्रेलिया के हाथ से निकाल के लेके चले गए। लास्ट की एक या दो बॉल पे कोई एक दो रन चाहिए थे जिसमें उनके वो थे एलन डोनाल्ड जो कि गलत रनिंग करने के चक्कर में रन आउट हो गए और ये लोग मैच हार गए। लेकिन दो जो प्ले मैच उन्होंने जो उस टाइम पे परफॉर्मेंस दी थी, मतलब वो आज तक कितने साल हो गए उस बात को, 22-23 साल हो गए उस बात को, आज ही मुझे याद है वो मैच, बहुत ही अमेजिंग मैच था। मैं 1999 से मैंने पहला वर्ल्ड कप जो है वो देखना चालू किया था, जब मैं 9-10 साल का था मतलब, ठीक है, तब से मुझे सारे मैचेस याद है क्रिकेट के। तो फॉर्मर साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर दोस्तों लांस क्लूजनर जो है वो अफगानिस्तान के कोच बने हुए थे, लेकिन अभी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाने से मना कर दिया है ना। 3 टेस्ट मैच जीते इनकी कोचिंग के अंदर, 3 ODI और 14 T20 मैच, 9 T20 मैच है जो कि इन्होंने जीते हैं 2 साल के अंदर, मतलब काफी अच्छी परफॉर्मेंस है एज ए कोच है जो कि इनको रही है। विनीता पूछ रही है कि सर पासपोर्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में के लिए भी जरूरी है क्या? देखो विनीता, इंडिया के अंदर पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, इंडिया के अंदर सिर्फ टिकट की जरूरत पड़ती है, पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है आपको विदेश जाने के लिए, समझ गए। चलिए इंडियन एक्सप्रेस के बारे में बात करें फ्रंट पेज पे, तो यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है और आपको नॉलेज भी होनी चाहिए कि अगर आप CAPF में जा रहे हो, अगर आप कोई आर्मी की किसी विंग में जा रहे हो, तो आपको पता होगा ना कि टैटूज अलाउ नहीं होते हैं। तो एक आदमी के दोस्तों राइट आर्म के ऊपर टैटू था, तो हाईकोर्ट ने बोल दिया कि भैया आप एलिजिबल नहीं हो टू क्वालिफाई फॉर ITBP पोस्ट। तो एक भाई साहब जो थे वो ITBP के अंदर ड्राइवर पोस्ट के ऊपर कॉन्स्टेबल पोजीशन के ऊपर लगे थे, है ना, लेकिन उनको अनफिट करार दे दिया गया मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे, क्योंकि उनको टैटू है जो कि उनके आर्म पे था, उनको डिस्क्वालीफाई है जो कि कर दिया गया। भाई साहब ने कोर्ट में केस कर दिया, कोर्ट ने बोला कि देखो आप जो है वो टैटू नहीं बनवा सकते, ये रूल है, ओके, ठीक है गाइज। इंडियन आर्मी के जो रूल्स हैं या जो CAPF के रूल्स हैं उसकी गाइडलाइन के हिसाब से ये आपका नहीं है। हालांकि उस आदमी का कहना था कि मैंने कोई यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन या किसी प्रकार से कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ, मैंने मेरा नाम ही लिखा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे उन्होंने बोला था कि सिर्फ मेरा नाम ही लिखा हुआ है, इसके ऊपर कुछ और नहीं है, लेकिन कोर्ट ने बोला कि जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं, जो पहले नोटिफिकेशन दे रखा था उसके अंदर ये बातें लिखी हुई थी कि डिस्क्वालिफिकेशन इन द क्लॉज 4.4 का 4th क्लॉज के अंदर एडवर्टीजमेंट में ये बात मेंशन थी, तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते। तो आप भी ध्यान रखिए, पता नहीं लेकिन जो परमानेंट टैटूज है वो भी हट जाते हैं ना, पता नहीं साथ में हटाए क्यों नहीं और क्यों कोर्ट के अंदर चला गया, आई डोंट अंडरस्टैंड। कोर्ट में जाता तो भी हटवा के जाता कि देखो हट गया आप तो मेरे को ले लो। चलिए आगे बात करते हैं जो कि है दोस्तों रूरल वेजेस को लेकर। आपको मालूम है कि हमारे देश में करोड़ों दोस्तों लेबर का काम है जो कि हमारे देश में हमारे लोग करते हैं, कई सारे गांव के अंदर करते हैं, कई सारे शहरों के अंदर करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों सर्वे में बताया गया कि कौन से राज्य में कितने पैसे हैं जो कि उनको मिलते हैं। केरला के अंदर दोस्तों 677 रुपीज़ है जो कि मिलते हैं केरला के अंदर, सबसे हाईएस्ट देश में 677। लेकिन दोस्तों यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, इनकी हालत है जो कि बहुत ही खराब है। गुजरात, महाराष्ट्र जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए फेमस है जो राज्य है, वहाँ पे मात्र 239 रुपीज़ और महाराष्ट्र में 262 रुपीज़ है जो कि किसी एक 8 घंटे काम करने वाले रूरल लेबरर को है जो कि मिलते हैं, ठीक है, जो कि एक चिंता का विषय वो यहाँ पे बात है जो कि बताई गई है ना। इसके अलावा ये इंडियन लेबर जर्नल है, यूनियन गवर्नमेंट का लेबर ब्यूरो, उसके द्वारा ये डाटा है जो कि यहाँ पे लाया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया देखोगे तो 315 रुपये मात्र, 315 रुपये पर डे का कॉस्ट है जो कि मिलता है, मतलब पूरे महीने में अगर एक आदमी मजदूरी करेगा तो 5-10 हज़ार रुपये ज़्यादा नहीं कमा पाएगा, क्योंकि 30 के दिन तो काम मिलता भी नहीं है।
तो अगर वो 20 दिन भी काम करता है तो 6,000 रुपये के आसपास है जो कि उसको मिलेगा। मतलब बिहार के अंदर भी यहाँ पे 289 के आसपास, यूपी के अंदर भी यही है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए दोस्तों यहाँ पे बोला गया है। गोवा की बात करें तो अगर मैं पर कैपिटा स्टेट, देखो NSDP बोलते हैं उसको, NSDP का मतलब होता है कि नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा, कौन से राज्य के पर्सन की सबसे ज्यादा इनकम है, तो गोवा दोस्तों नंबर वन पर है। गोवा के पर पर्सन की जो सैलरी है वो ईयरली 4.25 लाख के आसपास है। सिक्किम सेकंड नंबर पर है, दिल्ली थर्ड नंबर पर है, ओके, जिसके अंदर लास्ट में है दोस्तों अपना बिहार। मात्र 31,000 रुपये दोस्तों यहाँ पे सैलरी बताई गई है पर पर्सन पर ईयर, 31,000। गोवा में 4.25 लाख है, झारखंड में 53,000, यूपी के अंदर भी दोस्तों बहुत कम है, मात्र 41,000, यानी कि महीने के को 3,000 या 4,000 रुपये के आसपास अगर मैं डिवाइड करूँ तो पॉपुलेशन को, ठीक है, तो वो यहाँ पे दोस्तों बताया गया है। इसके अलावा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये जो मैंने बातें बताई, ये सारे क्वेश्चन है अपने आप में, पेपर में आपसे पूछेंगे। चलिए आगे बात करते हैं जनसत्ता की, जनसत्ता के अंदर कुछ खास यहाँ पे नहीं है। आगे बात करते हैं वर्ल्ड के टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज की दोस्तों, जो कि मणिपुर के अंदर है, जो कि बनाया जा रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मणिपुर के अंदर। टॉलेस्ट ब्रिज मतलब आप देख सकते हो इंडियन रेलवे के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है नॉले वैली के अंदर। 141 मीटर हाइट है इसकी, 111 किलोमीटर का लॉन्ग एक प्रोजेक्ट है। इम्फाल जरीबम रेलवे लाइन उसी की लाइन के अंदर ही है जो कि इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ब्रॉड गेज को लेकर, ठीक है। ये बात यूरोप में इससे पहले 139 मीटर के ऊपर था मॉन्टेनेग्रो में, अभी जो हम लोग बना रहे हैं वो 141 मीटर का बना रहे हैं। 2023 के दिसंबर तक इसको कंप्लीट होने के लिए बोला गया है, ओके। यूरोप के ब्रिज को इसने सरपास कर दिया है। डिस्टेंस अभी जो जरीबम और इम्फाल के बीच में है वो 220 किलोमीटर का है, 10 से 12 घंटे लगते हैं। अभी इसको 2 घंटे 2.5 घंटे जो है इसका रिडक्शन हो जाएगा। ये देखिए कितना जबरदस्त है ना, कितनी हाइट के ऊपर है, मतलब नीचे देखिए कितना खड्डा है। ट्रैवल टाइम रिड्यूस होके सिर्फ 2.5 घंटे रह जाएगा मतलब। चलिए ओके, तो फेजेस के अंदर इसका कंस्ट्रक्शन है जो कि करवाया जा रहा है। 450 करोड़ का इसका कॉस्टिंग है। मानसून के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ऐसे जो ब्रिज बनाने के अंदर चैलेंजेस बहुत आते हैं, मानसून का हो गया, बारिश के बहुत ज्यादा होना, इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम होना, ये सब प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं नागालैंड के अंदर के द्वारा एक ऐप बनाई गई है, मोबाइल ऐप, जिसका नाम है कॉल योर कॉप। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों किसी प्रकार से तो आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। कॉल योर कॉप ये नागालैंड के अंदर कोहिमा के हेडक्वार्टर के ऊपर दोस्तों ये ऐप है जो कि लॉन्च करी गई है। इसमें वायलेंस हो गया, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के खिलाफ कोई भी कुछ चीज होती है तो आप उनकी कंप्लेन कर सकते हैं। टूरिस्ट को लेकर है, डिक्शनरी है, सुवैस है, पुलिस स्टेशन, सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। आगे बात करते हैं फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया गया है, यंग वाटर प्रोफेशनल, ओके, वर्चुअली लॉन्च किया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों के जो यूथ है वो मिलकर क्या कर रहे हैं, वाटर की प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं उसको लेकर है जो कि बात कर रहे हैं, समझ गए। यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम यूनिक इनिशिएटिव है, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 70% प्रोग्राम जो फोकस किया गया है वो हमारे लर्निंग को लेकर फोकस किया गया है कि सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट कैसे किया जा सके। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोस्तों पानी को मिलकर जो है काफी सालों से साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। आगे बात करते हैं गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है यूनिक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी फॉर पेंशनर्स। देखो भाई पेंशन वाले जो लोग हैं ना उनको बहुत सारी समस्या होती है, एक तो आना उनका ऊपर से जाना, इस तरीके के काफी प्रॉब्लम। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया है यूनिक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। इससे क्या होगा कि आपको डॉक्यूमेंट लाने की जरूरत नहीं है, फेस से रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा कि भैया आप पेंशन धारक हो कि नहीं हो, है ना। तो पेंशन मिलने के लिए उनका एक आसान रास्ता है जो कि हो जाएगा, तो RA080M फेस रिकॉग्निशन टर्मिनल, मल्टीपल फंक्शंस है जिसके तौर पे ये काम करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लाइफ सर्टिफिकेट है जो कि ये प्रोवाइड करेगा, है ना, जो 70 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेंशनर है उनको काफी मदद है जो कि इससे मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साथ में UIDAI, इन दोनों के द्वारा मिलकर है जो कि इसको बनाया गया है। UIDAI के बारे में बात करें तो अभी सौरभ जी है जो कि आधार के दोस्तों हेड बने हुए हैं, क्या नाम है, सौरभ गोयल जो कि अभी चेयरमैन बने हुए हैं। 2016 में स्टार्ट हुआ UIDAI, आधार भी इन्होंने ही बनाया है। चलिए इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडैरिटी, आपको मालूम है दोस्तों कि एक दिवस आता है 29 नवंबर को जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडैरिटी विद पैलेस्टीन पीपल। तो UN के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज है जो कि किया गया पैलेस्टीन के, देखो क्या हुआ था 1947 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, है ना, 181 सेकंड बोलते हैं इसको रेजोल्यूशन, जिसमें दो स्टेट बनाए गए, एक तो अरब और एक जुविश, जुविश वाला तो था आपका इसराइल,
और अरब वाला था आपका पैलेस्टीन। ओके, तो इसको 29 तारीख को हुआ था, इसीलिए इसको 29 तारीख को ही ऑब्जर्व किया जाता है। 2003 से इसको 1 दिसंबर जो है वो मनाया जाने लगा, है ना। तो पैलेस्टीन और इसराइल के डिवाइड होने को लेकर दोस्तों इसकी शुरुआत करी गई थी। ओके, यूएन के हेडक्वार्टर में भी इसको मनाया जाता है। अगर इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बता ही चुका हूँ आपको, और ये देखिए रेजोल्यूशन था 3240 यूएन जनरल असेंबली में, है ना। और अरब और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट दोस्तों बहुत ही पुराने थे। एक्चुअली के अंदर क्या हुआ था कि जो ज्यूइश लोग है ना उनको दोस्तों जर्मनी और इस एरिया से निकाल दिया गया। ओके, इनकी जो हिब्रू है, जो बाइबल है, मतलब हिब्रू बाइबल, उसके हिसाब से बोला जाता है कि जो लैंड है इसराइलियों की, ज्यूइश की, वो वही एरिया है जहाँ पे दोस्तों इसराइल आज के टाइम पर है या पैलेस्टीन है। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इस एरिया के अंदर आ गए थे। अगर मैं पूरी दुनिया में बात करूँ, सबसे ज़बरदस्त जो जेनेटिक्स है ना वो दोस्तों इसराइल के लोगों के हैं। 18 साल का बच्चा भी आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो कोई 30 साल का आदमी है, बॉडी वॉडी और एकदम फिजिक विजिक। हर आदमी को 6 महीने की या 2 साल की ट्रेनिंग करना कंपलसरी है हर सिटीजन को। ट्रेनिंग भी बहुत अच्छे लेवल के ऊपर होती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त जीन्स है, मतलब ये लोग आसपास के जितने भी अरब कंट्रीज है ना सारे के सारे डरते हैं मतलब इसराइल से आज के टाइम पे। छोटा सा कंट्री है, कुछ भी नहीं है, ना पानी है ना कोई ज़्यादा पैसा, लेकिन टेक्नोलॉजी, साइंस, पढ़ाई में, इन चीज़ों के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखिए पहले जो है वो पैलेस्टीन हुआ करता था ये ग्रीन के अंदर। जब रिजोल्यूशन हुआ, पार्टीशन हुआ, तो बराबर के आसपास हुआ, 44% था पैलेस्टीन। 67 के अंदर वॉर जीते, 22% रह गया। आज के टाइम पे 15% के आसपास है जो कि रह चुका है, मतलब ये सिर्फ इतने से एरिया के अंदर बच चुका है। पैलेस्टीन को जो सपोर्ट है वो पूरे के पूरे अरब कंट्रीज है। अरब कंट्रीज का हमारे साथ में बहुत अच्छे रिलेशन है, यूएई हो गया है, सऊदी अरेबिया हो गए, कतर, कुवैत, इन सबके। इसीलिए हमारे लिए दोस्तों जरूरी क्या होता है कि हम लोग डिप्लोमेसी करें और इनके साथ में भी रिलेशन अच्छे बना के चलें। और इसराइल के साथ में हमारे बहुत ही पुराने रिश्ते हैं और हम लोग काफ़ी डिफेंस की डील्स करते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसराइल के साथ में भी दोस्तों डील करके चलें, क्योंकि इसराइल एक तरीके से छोटा भाई है जो कि यूएसए का माना जाता है, समझ गए। तो हमारे लिए दोनों ही बहुत ज़रूरी माने जाते हैं, इसलिए हम लोग दोनों को म्यूचुअली लेके चलते हैं डिप्लोमेसी के तौर पर। चलिए, डिप्लेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर, यूनेस्को की वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट आई 2018 की, जिसमें इंडिया को लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर है जो कि बताया गया पूरी दुनिया में। कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर टू द नेशनल जीडीपी जो है वो मेजर नहीं करी गई है, लेकिन 203 बिलियन मैट्रिक क्यूब ऑफ ग्राउंड वाटर जो है वो हर साल निकाला जा रहा है इरीगेशन को लेकर। रैपिड डिप्लेशन है जो कि हमारा ग्राउंड वाटर का हो रहा है, तो ये बहुत ही चिंता का विषय। हम लोग क्या कर रहे हैं, बारिश के पानी को कंजर्व कम कर रहे हैं, हमारे रिवर के लिंकिंग कम कर रहे हैं, तो उससे समुद्र में पानी चले जाता है और हमारा ग्राउंड वाटर जो है हम लोग निकालते जा रहे हैं। तो जितना ही डालना भी जरूरी है, अगर निकाल रहे हैं तो तभी जाके चीज़ें सस्टेनेबल हो पाएगी। जयपुर में पहले 250-200 मीटर पे ही पानी आ जाया करता था, अभी 350 मीटर खोदना पड़ता है बोरिंग, तब जाके पानी निकलता है। तो ये देखिए, और जितना आप नीचे जाओगे ना उतने फ्लोराइड भी कॉन्टेंट बढ़ता जाता है पानी के अंदर, गंदगी भी बढ़ती जाती है। ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करने का कारण क्या था, ग्रीन रिवोल्यूशन, एक तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया, इनएडुकेट रेगुलेशन से हमारे यहाँ पर रेगुलेशन की हालत खराब है। फेडरल इशू भी एक है, स्टेट और सेंटर के बीच में जो इशू है। सरकार ने काफी सारे अभियान चलाए हैं, जल शक्ति अभियान है दोस्तों वाटर अवेलेबिलिटी को लेकर, मास्टर प्लान है एग्रीकल्चर आर्टिफिशियल रिचार्ज करने को लेकर, नेशनल वाटर पॉलिसी, अटल भूजल योजना, ये बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि सरकार के द्वारा चलाई गई। ठीक है, आगे बात करें सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी। तो देखिए, हमने जो है वो बिटकॉइन को या बाकी सारी जो भी आपकी ये जो करेंसी है ना, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसीज है, इनको हम लोग बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। आपको मालूम है हमारे यहाँ पे इतने रेगुलेटेड होते हैं नोट्स, उसके बाद में भी इतने फर्जीवाड़ा होता है, अगर बिटकॉइन हमारे यहाँ पे हो गई तो पता नहीं क्या ही होगा। तो हमने क्या किया है दोस्तों, एक खुद की डिजिटल करेंसी है जो कि बनाई है, जिसको फिएट करेंसी नाम दिया गया है, है ना। ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बनाई गई है, सेंट्रल बैंक इसको रेगुलेट करेगा और सेंट्रल बैंक को पता होगा कितनी करेंसी बन रही है, कितनी कहां पर है, किस तरीके से। तो ये फिएट मनी इसको नाम है जो कि दिया गया है, इकोनॉमी के कंट्रीब्यूशन और इकोनॉमी के डेवलपमेंट के अंदर भी ये काफ़ी मदद करेगी। ठीक है गाइज, और इसका पूरा नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDC इसका नाम है जो कि दिया गया है। बिटकॉइन से इंस्पायर्ड होकर जो है ये बनाया गया है। ठीक है, चाइना भी बोल रहा है कि खुद का युआन डिजिटल करेंसी बनाएगा। चाइना और लिब्रा 4 बिलियन यूजर है इसके मतलब, और यूएस ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है लिब्रा को, ये फेसबुक की खुद की डिजिटल करेंसी है, और भी कई सारी कंपनीज बना रही है। इंडिया भी दोस्तों धीरे धीरे इसके ऊपर काम कर रहा है, स्मॉल कंट्री इक्वाडोर, टूनिशिया और कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्री ने तो खुद की ऑफिशियल डिजिटल करेंसी है जो कि लॉन्च करी है। $25 बिलियन पर ईयर का दोस्तों एडिशन है जो कि डिजिटल करेंसी से होगा, GDP में 203% की बढ़ोतरी। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये सब तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, खुद अगर खुद की करेंसी होगी तो उसमें फर्जीवाड़ा नहीं होगा।
1974 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान ने दोस्तों ट्रेड बैन को डील को एंड किया। 1918 में किंगडम ऑफ आइसलैंड का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। 1919 के अंदर नैन्सी एस्टोर जो है वो पहली महिला बनी जो कि हाउस ऑफ कॉमन के अंदर गई है, जैसे कि हमारी लोकसभा है ना वैसे वहां पर है। वोकैबुलरीज की बात करें तो आज का अनोमली बहुत अच्छा वर्ड है, पेपर में आता है, इसका मतलब होता है अनियमितता, इनरेगुलरिटी को बोलते हैं। ऑडिडिटी भी बहुत अच्छा वर्ड है। डिस्क्रिपेंसी का मतलब है जो अंतर होता है ना उसको कहते हैं डिस्पैरिटी, वेरियंस। टैम्पटिंग का मतलब है जो बहुत ही लुभावना होता है, फैसिनेटिंग होता है। डेबिलिटेटिंग का मतलब है जो बहुत ही दुबला पतला हो, वीक हो, उसको कहते हैं। इम्पीट का मतलब बांधा डालना किसी चीज में, हैम्पर करना। गॉज का मतलब किसी चीज को मापना। इसके अलावा आज का फन फैक्ट देखिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, देखिए अपोलो 15 जब यूएसए का द्वारा मिशन हुआ था ना, तो उस पैराशूट को हैंडपिक करने के लिए 3 ही लोग जो कि पूरे देश से सेलेक्ट करे गए थे। ये ऑपरेशन इतना ज्यादा जरूरी था कि इन 3 लोगों के अलावा दोस्तों पूरी दुनिया में कोई था ही नहीं अमेरिका के पास जो कि इस काम को कर सके। तो इन 3 को यह बोला गया था कि भैया तुम अलग अलग कार के अंदर आना, इनको सिक्योरिटी दी गई थी, सब कुछ दिया गया था कि अगर तुम में से एक भी मर गया ना तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। तो 3 को मतलब सेम कार में नहीं था, अगर एक्सीडेंट हो गया तो कोई एक भी मर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सिक्योरिटी दी गई जैसे कोई आर्मी जनरल को मिलती है, तब जाके 3 पैराशूट को पिक करने वाले मतलब ऐसे लोग चुने गए थे। ओके, इसके अलावा दोस्तों ऑल इंडिया क्लोथ ड्राइव विंटर क्लोथ ड्राइव है जो कि स्माइल फॉल के द्वारा लॉन्च करी गई, ऑल इंडिया है ना विंटर क्लोथ ड्राइव, जिसके पास में पूरे देश में जो क्लोथ है, अगर जिस भी सिटी के अंदर आप लोग रहते हो तो गरीब लोग जो इनके पास में नहीं होते सर्दियों के अंदर कुछ पहनने को, कुछ ओढ़ने को रात को, उनको जो है हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं। तो इंडिया के हर सिटी के अंदर ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आसाम के अंदर, गुवाहाटी के अंदर भी दोस्तों ये लॉन्च किया गया है। काफ़ी सारे लोग यहाँ फ़ोन करके इनको दे सकते हैं ताकि किसी ज़रूरतमंद को आपके पुराने कपड़े हैं जो कि दिए जा सकें। इसी प्रकार से विशाखापट्टनम के अंदर भी है, अक्रॉस इंडिया में मतलब 100+ सिटीज़ के अंदर इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया, हैदराबाद में भी है, आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अकेडमी पर कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, BHU 10 काम में लेके। SSC में प्राइसेस डाउन है, अभी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड करिए, मोबाइल नंबर डालिए, गोल अपना सेलेक्ट करिए, UPSC है, SSC है, IIT है, CDS है, बैंक है, जो भी आपका गोल है, प्लस पे जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पे 12 या 24 मंथ, और यहाँ पे BHU 10 है जो कि आपको लगाना है। ठीक है, इसके अलावा GS का फाउंडेशन बैच के बारे में ये देख सकते हो आप जो कि चल ही रहा है, और एक बच्चे की एजुकेशन आप एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन से कर सकते हैं 500 रुपये पर मंथ में। आज का पहला सवाल है वर्ल्ड का टॉलेस्ट रेल ब्रिज जो है कौन से राज्य, उसकी हाइट क्या है, मणिपुर के अंदर है, उसकी हाइट बतानी है आपको। जल शक्ति अभियान कौन से साल में लॉन्च किया गया, पुलिस जो है वो कौन सी स्टेट लिस्ट के शेड्यूल में मेंशन है ये आपको बताना है। इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद फलस्तीन पीपल किस तारीख को ऑब्जर्व किया जाता है। सुजलम सुफलाम अभियान किस राज्य से संबंधित है। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।